नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। इस बार चर्चा करेंगे हम बिहार विधानसभा चुनाव की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक। जयदीप जी, इस बार बिहार चुनाव का परिदृश्य पिछले बार से कुछ अलग होगा। दुश्मन दोस्त है, दोस्त दुश्मन बन गए हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी झाला जी, देखिए, जो राजनीति में कहा जाता है कि इसमें कोई भी आपका हमेशा के लिए शत्रु या दोस्त नहीं होता राजनीति में, और ये बात हमने कई सारी राजनीतिक कवायदों में हमने देखी है। कभी कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की नहीं बनती थी, लेकिन उसी में फिर सरकार बनी और फिर लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री भी बन गए। जो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कभी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, वो दोनों आज अपनी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ गठबंधन कर एक मंच पर आ गए हैं। न केवल लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, बल्कि मुलायम सिंह यादव भी उस महागठबंधन के हिस्से हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति जो न कराए सो कम है, ये बात सही है कि बिहार के जो ये विधानसभा चुनाव हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी जरूर है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी परीक्षा जो होगी वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की होगी। चाहे कोई कुछ भी कह ले, चाहे राजनीतिक पंडित किसी भी तरह के कोई कयास लगा लें, जिस तरीके से दिल्ली के विधानसभा चुनाव सीधे सीधे नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल की लड़ाई थी, और उस लड़ाई में अरविंद केजरीवाल की जीत हुई, क्योंकि जो परिणाम आए वो इतने चौंकाने वाले थे कि किसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। 67 सीटें अरविंद केजरीवाल के पक्ष में गई, लेकिन दिल्ली एक अलग अखाड़ा था। वहां पर आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी थी, वो इसके पहले भी चौंकाने वाले परिणाम ला चुकी थी और अचानक लेकिन वो कुर्सी छोड़कर चले गए। तो जो पहले 28 सीटें आई थी वो भी एक चौंकाने वाला परिणाम था। 67 सीटें तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला परिणाम था, लेकिन वहां मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई थी। जो लोकसभा चुनाव की महाविजय हुई थी उसके बाद एक बड़ी परीक्षा थी, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। इसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार के लोकसभा चुनावों में तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को करारी पराजय का मुंह देखना पड़ा। इतनी बुरी पराजय हुई कि उनको मुख्यमंत्री के पद से कुछ समय के लिए संन्यास लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने राम की तरह वनवास लेने का संकल्प लिया, लेकिन उन्हें कोई ऐसा भरत नहीं मिला जो उनकी पादुकाएं पूज सके और वापस वनवास से लौटने पर उनको फिर से सत्ता सौंप रखे। जिस भरत के रूप में जीतन राम मांझी की उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर पदस्थापना की थी, वही जीतन राम मांझी उस कुर्सी पर गोंद की तरह चिपक गए। उनको हटाने के लिए उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और आखिरकार वापस नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार जी दरअसल एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपनी जो मुख्यमंत्री के रूप में पारी खेली उसमें उन्होंने बिहार को एक नया दौर दिखाया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से बिहार को मुक्ति दिलाई, जिस बिहार में ये कहा जाता था कि अगर आप शाम को अंधेरा होने के बाद आपकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तो आप बेहतर है कि स्टेशन पर ही सुबह होने तक रुक जाएं और आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस बिहार की छवि उन्होंने बदलने की कोशिश की। लेकिन अब उनका ये दुर्भाग्य है कि जिस लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से मुक्ति दिलाने के नाम पर वो सत्ता पर काबिज हुए थे, उसी लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाकर खड़े हैं। आप देखिए कि अभी हाल ही के मैंने अपने पटना के दौरे में मैंने देखा कि कहीं भी एक भी पोस्टर ऐसा नहीं दिखाई दिया जहां पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पोस्टर पर साथ में दिखाई दे रहे हो, पोस्टर पर भी। तो आपने एक ऐसा गठबंधन कर लिया जिसको लेकर आप खुद भी डरे हुए हैं। अलग अलग लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के पोस्टर जरूर लगे हुए हैं। तो यह एक जबरदस्त राजनीतिक अस्तित्व की, राजनीतिक समीकरण की लड़ाई है, लेकिन इसमें निश्चित तौर पर दो व्यक्ति जो आमने सामने खड़े हैं वो हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो एक समय तक अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए, अपने राज्य की राजनीति करते हुए राष्ट्रीय स्तर की महत्वाकांक्षाएं रखते थे, उनकी महत्वाकांक्षाओं का आपस में टकराव हुआ एनडीए के भीतर, और नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षा की एक सुनिश्चित विजय हुई। नीतीश कुमार ये मानकर चल रहे थे कि इस महत्वाकांक्षा में उनकी जीत होगी, और उन्होंने एनडीए से यह सोचकर किनारा कर लिया था कि नरेंद्र मोदी जी का जो कैंपेन है उसकी हवा निकल जाएगी और एक बार फिर नीतीश कुमार को लोग पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी के विरोध स्वरूप ही एनडीए से अलग होने का निर्णय लिया था। वो निर्णय उन्हें महंगा पड़ा था लोकसभा के स्तर पर, लेकिन अब राज्य में विधानसभा के स्तर पर यह निर्णय उन्हें कैसा पड़ेगा, इसकी परीक्षा की घड़ी आ गई है। निश्चित ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हिंदुस्तान में हमेशा से अलग रहे हैं। लोग अब इतने परिपक्व हो गए हैं, लोकतंत्र अब इतना मजबूत हो गया है कि उन्हें स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के आधार पर चयन करने की समझ बहुत बार आई है, जो हमने दिल्ली के चुनावों में भी देखा है, और इसलिए निश्चित तौर पर एक बहुत दिलचस्प चुनाव है। यदि चुनाव से पहले बहुत बड़े पैकेज की घोषणा, इसका भाजपा को कितना फायदा मिलेगा?
देखिए ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से इस पैकेज की घोषणा की गई है, मैं नहीं मानता हूं कि ये बहुत अच्छी राजनीति के संकेत हैं। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ भोंडापन झलका है। प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर आप इस तरीके से सवाल, आप बिहार का विकास चाहते हैं तो उसमें आपको पूरी ईमानदारी से दिखाना होगा कि आप बिहार का विकास चाहते हैं, आप बिहार की जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो वो भी आपको दिखाना होगा। लेकिन इस तरीके से मंच से खुलेआम जिस तरीके से बिहार के पैकेज की घोषणा की गई, उससे जरूर बहुत सारी राजनीतिक बयानबाजी को हवा मिली और वो स्वाभाविक था। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेनर के रूप में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से विकास के मुद्दों को अपना हथियार बनाया था, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के कुशासन के ऊपर लगातार प्रहार किए थे, वो एजेंडा अगर वो अपनाते हैं तो बेहतर होगा। यही गलती दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में उन्होंने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर व्यक्तिगत बयानबाजी और आरोप लगाए थे, उनके गोत्र तक की बातें उछलने लगी थी और ये गोत्र की लड़ाई में आखिरकार ये हुआ था। देखिए दिल्ली में दो बड़ी गलतियां हुई थी, एक तो अरविंद केजरीवाल पर व्यक्तिगत हमला और दूसरा किरण बेदी को मुख्यमंत्री के रूप में उम्मीदवार बनाना। ये दोनों गलतियां भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ी और वो आज तक उसका परिणाम भुगत रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी कह लें की तरफ से, एक एक बड़ी गलती हुई है। नीतीश कुमार की तरफ से एक बड़ी गलती हुई है उस लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाना, जो कि जिनके खिलाफ नीतीश कुमार लगातार खड़े रहे हैं, जिनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिनके जंगल राज से मुक्ति दिलाने की बात बिहार में वो लगातार करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो गलती हुई है वो ये हुई है कि वो कोई भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पा रहे हैं और उन्होंने खुद भी इस लड़ाई को सीधे सीधे मोदी बनाम नीतीश कुमार बनने में पूरा योगदान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और वो ये मान के चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को सामने खड़ा करने से वो शायद इस लड़ाई में भारी पड़ेंगे। अब वो भारी पड़ेंगे नहीं, ये तो वक्त बताएगा। नीतीश कुमार द्वारा लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाया जाना सही होगा। बिहार में जातिगत समीकरण भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो कुछ भी गठबंधन हुए हैं वो इन जातीय समीकरणों को ध्यान में रखे हुए हैं। कोशिश ये है कि जो मुसलमान वोट छिटक कर भारतीय जनता पार्टी से दूर जाएगा वो लालू यादव और नीतीश कुमार के खेमे में आ जाए। जिन यादव वोटों के साथ लालू प्रसाद यादव हमेशा बुरी से बुरी स्थिति में भी 25-30% के बीच में कहीं ना कहीं वोट लाते रहे हैं, वो वोट बैंक उनके साथ बना रहे। नीतीश कुमार का अपना जो 16-17% का वोट बैंक है वो उन्हें मिल जाए। 100-100 सीटों का बंटवारा उनके बीच में आपस में हो चुका है। जो 40 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं उसमें कांग्रेस कितना अच्छा कर पाती है तो बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है 40 कुछ ज्यादा ही सीटें कांग्रेस को मिल गई हैं। एनसीपी ने फिलहाल तो जो 3 सीटें उनको दी गई हैं उससे नाराज होकर इस गठबंधन से किनारा कर लिया है। शायद वो जब चुनाव की घोषणा हो और चुनाव का दौर नजदीक आए तो वापस आकर उन 3 सीटों के माध्यम से चुनाव लड़ लें। तो मुझे ये लगता है कि ये 100-100 और 40 सीटों का जो बंटवारा है, देखना होगा कि ये कितना आगे इस महागठबंधन को ले जा पाता है। सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार की पार्टी से हाथ मिलाया है तब से वो दोनों मिलकर ही बिहार में उपस्थित रहे और दोनों को मिलकर भारी सफलता भी मिली है। ये पहला चुनाव है जो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के बिना लड़ रहे हैं। दूसरा, ये ऐसा और चुनाव है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के नेटवर्क की परीक्षा होनी है। जदयू की वजह से उन्होंने अपना नेटवर्क वहां पर कभी मजबूत नहीं बनाया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना कि होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी जो मदद उनको अन्य राज्यों में मिलती रही है, उत्तर प्रदेश तक में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेटवर्क की वजह से लोकसभा चुनाव में इतनी भारी सफलता हासिल की थी, बिहार में वैसा नेटवर्क फिलहाल दिखाई नहीं देता। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से बाहर से थोपे गए और लाए गए राजनेताओं के माध्यम से आप वो सफलता, जो कि हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में बाहर से गए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन हरियाणा में एक तो हुड्डा सरकार के खिलाफ जो नाराजी थी वो, और बाहर से गए हुए नेताओं के द्वारा बनाया गया वो माहौल, दोनों मिलकर वो आखिरकार खट्टर वहां पर बन गए मुख्यमंत्री। लेकिन मुझे ये लगता है कि बिहार में बाहर से थोपे गए नेता, क्योंकि बिहार की जो जनता है उसकी राजनीतिक समझ कहीं मजबूत है और बाहर से थोपे गए नेता अचानक रातों रात वहां कोई बड़ी तब्दीली ला पाएंगे ये मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बीच पिछले एक साल में अपने संगठन को मजबूत करने में वहां जो काम किया होगा, अमित शाह ने जो रणनीति अपनाई होगी उसकी परीक्षा है। बूथ स्तर पर वो कैसी लड़ाई लड़ते हैं, कौन से उम्मीदवार चुन के लाते हैं, सारा दारोमदार इसके ऊपर होगा। यानी भाजपा ने बिहार में माझी से भी गठजोड़ किया है तो उससे कितने दलित वोट मिल पाएंगे भाजपा को? ये एक दांव है और ये दांव सफल होता है कि नहीं ये कहना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी की
पूरी कोशिश है कि जीतन राम मांझी को एक सहानुभूति के रूप में वो वोट की लहर पर सवार कर दें। वो ये बताएं कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाना उन पर हुआ एक अत्याचार है, उनका और पूरी दलित जाति का और अति पिछड़े वर्ग का, वो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, अति पिछड़े वर्ग का अपमान है और इस अति पिछड़े और दलित वर्ग के वोट बैंक को लुभाने की कोशिश है। और वैसे भी जीतन राम मांझी और भारतीय जनता पार्टी आपस में पहले भी गलबहियां कर रहे थे और उस गलबहियों की जब भनक नीतीश कुमार को लगी थी तो उसी को देखते हुए उन्होंने वापस अपनी कुर्सी को संभाल लेना ही बेहतर समझा और जो पूरा ड्रामा हुआ उनके कुर्सी छोड़ते वो हम सबको पता है। ये दांव कितना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा अभी तो कहना मुश्किल है। ये पक्की बात है कि ये सारे समीकरण मिलकर बिहार में क्या रचते हैं। एक ओवैसी का एक नया एंगल बिहार में आ गया है चुनावों में, ओवैसी मैदान में आते हैं तो निश्चित तौर पर इसका ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना है क्योंकि ओवैसी अगर मुस्लिम वोटों को लामबंद करने में सफल हो जाते हैं जिसकी संभावना कम है क्योंकि बिहार में उनका कोई जनाधार नहीं है, उन्होंने आंध्र प्रदेश के बाहर कोई बड़ी सफलता, कुछ महाराष्ट्र में एक दो जो सीटों पर दिलचस्प नतीजे हमको देखने को मिले हैं क्योंकि वो एक अलग समीकरण था वहां का स्थानीय शिवसेना के नेताओं की भी गड़बड़, लेकिन बिहार में ओवैसी क्या भूमिका निभा पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो भी होगा वो उन मुस्लिम मतदाताओं को लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की ओर जाने से रोक देंगे जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, तो इसमें कुल मिलाकर फायदा भारतीय जनता पार्टी का ही होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ओवैसी भी उसमें कुछ ना कुछ भूमिका तो जरूर निभाएंगे। इसी के अलावा एक और दिलचस्प समीकरण इस बीच नजर में आया है कि दिल्ली में एक रैली में अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार एक मंच पर नजर आए हैं। अब वो अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार के मंच पर गए हैं जिन नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाया है, वो लालू प्रसाद यादव जो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं, जिनका चारा घोटाला पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, जिनके चारा घोटाले और तमाम अन्य तरह के भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ती रही है, वो आम आदमी पार्टी जिसकी सारी की सारी जमीन ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के ऊपर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन के कोख से उपजी हुई पार्टी, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई एक पार्टी एक मंच पर एक साथ उन नीतीश कुमार के साथ है जिन्होंने लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाया। तो इसीलिए जो शुरू में हमने बात की थी कि राजनीति जो न कराए सो कम है, कुर्सी का लालच जो न कराए सो कम है, अरविंद केजरीवाल लाख दुहाई दे दें कि वो दरअसल नरेंद्र मोदी जी के शिकार हैं और नरेंद्र मोदी के शिकार होने की वजह से उनका और नीतीश कुमार का एक मंच पर आना बनता है, लेकिन उनसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि वो नीतीश कुमार जो लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाने को मजबूर हो गए हैं, वो लालू प्रसाद यादव जो भ्रष्टाचार के एक प्रतीक के रूप में देखे जाते रहे हैं, उसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा है, सीबीआई की जांच है, तो मुझे लगता है कि उन लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाने वाले नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाना ऐसी क्या मजबूरी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो उनकी मजबूरी राजनीति है और इस राजनीति के इस अखाड़े में सारे पहलवान अपनी अपनी जोर आजमाइश करने पर उतारू हैं। बिहार को राजनीति का एक बड़ा अखाड़ा बना दिया गया है और इस अखाड़े में इस दंगल में जीत किसकी होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे बिहार चुनाव की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।